Linda, pokojne. Pokojne, pokojne. ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, भल अच्छे समस्ते। आज क्लास जोटा आम कल लास्ट क्लास सारी छाड़ी थे जोटी से कंटिन्यू करवा। सो गुड इवनिंग। तो कौन आम चलता लोकल गवर्नमेंट चलता राइट, लोकल गवर्नमेंट चलता जो थी आम देखुले आम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि बहुत ही अधिक इंपोर्टेंट था। कौ परस्पेक्टिव आम एग्जाम परस्पेक्टिव बहुत अधिक इंपोर्टेंट था। ओके हाँ, तो बहुत ही अधिक इंपोर्टेंट था। तो आज क्लास में आम कौन करवा आगे कंटिन्यू करवा, कंटिन्यू करने सहित ये चैप्टर को सारे मुझे चेस्टा करी 40 मिनिट भाया क्लास क्लास हम ये। तो फटाफट मुझे कंटेन्ट को आसूँ, आई होप लास्ट क्लास समस्त देख सारी थे। तो ये दुटा पॉइंट को आम मेन फोकस करवा, गोटे हूँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और गोटे हूँ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देख दुटा का सामान जिन, ओके दुटा का सामान जिन, बस गोटे टाउन गोटे गाँव आउ थे फटाफट जिन गुटा मन पक। देख आम गवर्नमेंट कौ कौ लेवल अच्छे, सेंटर अच्छी, स्टेट अच्छी। आज आम देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट एंड विलेज लेवल गवर्नमेंट। ओके यहीटा तो आम स्ट्रक्चर ना आम कंट्रीर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आम कंट्री यही ना मतलब कमेंट सेक्शन ये सब मतलब कहीकि जन टे आम कंट्री पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ कौट आम कंट्री आम देश कौटू स्टार्ट होती स्टार्ट होटू विलेज स्टार्ट होती विलेज जाकि ब्लॉक जाऊँच ब्लॉक जाकि डिस्ट्रिक्ट जाऊँच डिस्ट्रिक्ट स्टेट जाऊँच स्टेट रू सेंटर जाऊँच ये सब नु स्टेट रू सेंटर जाऊँच। तो आम पढ़ी स्टेट लेवल जाके स्टेट तौक आम जो जिनटा रोचे आम कमी कवर करवा मुझे समस्त को बताऊँ। तो आज के क्लास में आम देखा जे ये डिस्ट्रिक्ट टू विलेज लेवल जाके जहाँ भी थी सिस्टम कमी कौन कराला कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कराला राइट, कमी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कराला आम देखा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जितेबाला अणागला से इयरटा के 1989 मसीहा 1989 सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कला दुटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जितेबाला मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कथा कहूँ ता मीनिंग होउची संविधान रा संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन कहले कौन ओडिया रे संविधान ये सुन नु, कॉन्स्टिट्यूशन कहले कौन संविधान, अमेंडमेंट कहले कौन संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन रे संशोधन करिया पई एठी कोन करा गला नुवा गोटे बिल पारित करिया पई चेष्टा करा गला। ओके नुआ गोटे बिल पारित करने चेष्टा करागला बट 1989 बिल आसिकी बिलटा फाइनाली पास हो के समय लगे जान तीन वर्ष लगला बुझी राइट। तो से जिन देख लिखागला तीन वर्ष लगला 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने पार्लियामेंट रे, पार्लियामेंट रे किए किए पास करेंगे गोटे राज्यसभा पास कर गोटे लोकसभा पास कर प्रेसिडेंट को द्वारा जदि पारित होला देन दैट विल बी कॉल्ड एज ए लॉ ये सर नो। ओके बाम कहीपर आक्ट कहीपर बिल रु आक्ट बनब आक्ट रु लॉ बनब राइट। सो यहाँ गोटे प्रोसेस थिला जोटा कि 89 इंट्रोड्यूस होकर 92 कौन है पास होगा। ओके 92 पास होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन देख ये गोटे एग्जांपल दे ब्राजिल एग्जांपल दे ब्राजिल एग्जांपल ये जोटा देखिए से फेडराल स्ट्रक्चर को कमी कंटिन्यू कर देख फेडराल स्ट्रक्चर कहे कौन मैंने पावर डिवाइड जोटा करा राइट सेंटर स्टेट और तौर को जो पावर डिवाइड कौन कह फेडराल स्ट्रक्चर कहु। तो देख से जिन तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राजिल हाज क्रिएटेड स्टेट फेडराल डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल काउंसिल। ओके तो ब्राजिल कौन कर फेडराल डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल काउंसिल तो स्टेट क्रिएट कराई और सेंटर तुम जान कहीं कह सहित इंटरफेयर करेंगे कहीं कह सहित इंटरफेयर करेंगे तुम कम यहाँ तुम ये कम कर से कम करूँ। तो ये कौन है पावर प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिगला क्लीयर पावर को कौन कराला प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिगला। तो ये बेसिक जिन आईडिया आसगला ये बेसिक जिन आईडिया आसगला। सो एम आगे ब्राजिल विषय किसी जिन कहला बट इंडिया क्या जी आम देखा तेल आम जो गाँव लेवल जो गवर्नमेंट रोचे ना आम कहीपर लोकाल गवर्नमेंट को कौन कहला पंचायतीराज इनट्यूशन। ओके पंचायतीराज इनट्यूशन जोटा कि नंबर अमेंडमेंट आक्ट में अणाला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अणाला। ओके सहित 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कर अर्बन लोकल गवर्नमेंट अणाला जोटा को कि नगरपालिका भी कहा कौन कहु नगरपालिका भी कहा फाइन। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आक्ट तुम देख के फोर्स को आसे 1993 मसीह फोर्स को आसे मैंने स्टोरी आउ थे मन रख भलसे 1989 मसीह बिल आसला बिल पास हो 1992 आसीगला तीन वर्ष बिल लागू हाँ इम्प्लीमेंट हाँ
पुणी वर्ष लगला उन्नीसशह तेयानबे क्लीयर बिल पार होगा पुणी वर्ष लगला उन्नीसशह तेयानबे हो गल ओके तो ये बेसिक आईडिया आसगला आम सो यू हैव नोटिस दैट हमें देखी आगुरु दैट द लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट्स आर फ्री टू मेक देयर ओन लॉज तो आम आगुरी देखी थे कौन लोकल गवर्नमेंट पंचायतराज सिस्टम हो कि म्युनिसिपल सिस्टम हो सी कहाँ अंडर आसो स्टेट अंडर आसो बट जिते बड़े ये संविधान में पूरा अलग अधिकार दे दिगला ना राइट right? ये आम पंचायत को अलग प्रकार लिस्ट दे दिगला पंचायत को पूरा लिस्ट दिगला वर्क लिस्ट दिगला तुम यही काम कर स्टेट किसी इंटरव्यून करना तो सर बढ़िया है स्टेट तो मुंड पुरेबन तो भल आराम से कम करेंगे कितना कौ जगार देख खाली पावर देने हेनी देख पावर देने हेनी आम कह देख देख गोटे बाघ जाऊँच बट बाघ जो तुमको खाई पार नहीं दात ना तार लाभ कौन बुझे कुकुर गोटे जाऊँ तुमको जो कामुड़ी पार तुम तरह कहीं दौड़ाखु से आस कौन कर पाकुआ दात तुमको कामुड़ हाँ पाकुआ दात मैंने दात ना दात कामुड़े कौन टा कर किसी कर ओके सो से भाया जिनस तो ये सीना पावर आम देदे बट प्रपरली से जिन चली पाराने आगे मुझे देखेबी आगे बट या सहित आम आगे जाइए देखा आम 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे प्रथम आम भाग करके देखा 73 अमेंडमेंट आक्ट रे एडेड 11 शेड्यूल हाँ ये मुझे स्किप कर जिनस भी आसवा ओके से जिनस भी आसवा तो जो मैंने जानी ना मुझे कहीदे दुईटा शेड्यूल ये आड करागला ओके दसटा शेड्यूल टोटाल स्टार्टिंग आम कॉन्स्टिट्यूशन आसला बेलू कितना शेड्यूल था आठटा थी ओके तापर 9 नंबर 10 नंबर शेड्यूल पर आड होती किंतु 10 नंबर पर आम कौन आसला 73rd आउ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसला 73rd आउ 74th 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 11 शेड्यूल रे लिस्ट करागला ये 12 शेड्यूल रे लिस्ट करागला लिस्ट कथा तो मुझे कहूँ वर्क लिस्ट आम कहीपर आम कहीपर सब्जेक्ट राइट सब्जेक्ट जे गाँ सब्जेक्ट कौन आसन सब्जेक्ट कौन आस बुझेगा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केबे इंट्रोड्यूस होता केबे पास होगा केबे इंप्लीमेंट होगा केत नंबर शेड्यूल आड होती एंड ता सहित कहार कौ शेड्यूलटा गुरा सब प्रिलिम्स क्वेश्चन बनी पार तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तुम जब देखो ये कौन कला पंचायतराज सिस्टम को डिफाइन करुच्ची कौन पंचायतराज इंस्टीट्यूशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहीं या भलसे बुझी थोड़ा तो मैंने मेन सिलेबस देखिए लिखाई पंचायतराज इंस्टीट्यूशन इन ओडिशा ये सुन ओडिशा रे आमर जो सिलेबस अच्छे से पंचायतराज इंस्टीट्यूशन ऑफ ओडिशा भी मेंशन होती ओके सो यहाँ थी पंचायतराज इंस्टीट्यूशन सो आम कैसे टायर स्ट्रक्चर ये 3 टायर आम स्ट्रक्चर रोचे तीन टा टायर स्ट्रक्चर रोचे तीन टा टायर मैंने कौन देख ऑल इंडिया लेवल तुम जो भी देखो तीन टा लेवल गवर्नमेंट देखा मिले गोटे देखा मिले विलेज लेवल गोटे देखा मिले ब्लॉक लेवल आ गए देखा मिले कौटी डिस्ट्रिक्ट लेवल तो आम जगह गाँव टा गाँ कह ठीक अच्छे कितना किसी जगह ब्लॉक को ब्लॉक कहा जाए कौन कह जाए मंडल कह जाए ओके बा तालुका भी कहा जाए जो मैंने पट्टा पट्टा देखी थे ना पुराना पट्टा जमी पट्टा देखी थे तालुका लिखा जाए किसी जगह ओके तो किसी जगह मंडल कहा जाए किसी जगह तालुका कहा जाए टॉप ले प्रथम तो स्टार्टिंग जो कौन कह जाए ग्राम पंचायत सरपंच जो बनती ओके तापर ब्लॉक लेवल जी बनती आम कौन कहते देख मैंने से जगह टाक कौन कहते मंडल कहते ओके मंडल कहते किसी जगह ब्लॉक कह जाए किसी जगह तालुका कह जाए ओके दिस बॉडीज आर कॉल्ड मंडल और तालुका पंचायत क्लियर मैंने होंगे इंटरमीडिएट लेवल मिडिल लेवल मैंने पलि आसे एट द सेम टाइम पूरा टॉप लेवल तुम जब देखो कौन कह जाए जिला पंचायत कहुए बुझेगा जिला पंचायत तमाने पंचायतराज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो रोचे आम गाँव लेवल गवर्नमेंट क्या कहुची से गाँव रु स्टार्ट होगी पंचायत रु स्टार्ट होगी ग्राम पंचायत रु स्टार्ट होगी मंडल पंचायत जाऊँच कि ब्लॉक पंचायत कि तालुका पंचायत जाऊँच एलंग विथ दैट तालुका पंचायत उपर जो पोजिशन आसा आम डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं जिला पंचायत आम कौन क्लीयर जब क्लीयर ये कह कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझ आई थिंक लिंकटा उपरको बतईदे समस्त को ओके तो ये अमेंडमेंट ये कौन कला मैंडेटरी करदे गोटे ग्राम सभा क्रिएट करने ग्राम सभा कहे से गाँव रे से एरिया जिते आडल्ट मेम्बर अच्छा 18 वर्ष उपरको हो जाती किसी मेजर डिसीजन ग्राम पंचायत निहाँ देन दे सुड बी कनसल्टेड और देर सुड बी ए मीटिंग वेयर अल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा विल बी पार्टिसिपेटेड ओके सो द ग्राम सभा वुड कंप्राइज द एडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज वोटर जो मैंने वोटर हिसाब से रजिस्टर होती से माने ग्राम सभा मेंबर हो पारे बुझिपाल आमर पॉलिटिकल एंगल तीन प्रकार रहा ग्राम पंचायत मंडल पंचायत एंड जिला पंचायत पूरा तले आम जो मैंने भितर आसूना से माने ग्राम सभा मेंबर मैंने ओके ग्राम सभा मेंबर मैंने मेजर डिसीजन ना से माने रोल प्ले करेंगे ओके मेजर डिसीजन ना से माने रोल प्ले करेंगे फाइन सो आम आगे से जगह को जी देखा
देखो इलेक्शंस ओके डज ए ग्राम सभा मीन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एंटायर विलेज डू ग्राम सभा एक्चुअली मीट रेगुलरली ग्राम सभा कौन रेगुलरली एकाठी हुआ कि मैंने आम देखीदे सीना ये लेवल कि सेमती लेवल काम हुए ना एक्चुअली ग्राम सभा लोक मैंने एकाठी बस कि सब जिन डिस्कसन करने को समय तक मिले ना एक्चुअली समय थी ना जो डिसीजन नि जाए पंचायत सरपंच भावते आम नहीं जाम बाटे आमको डाक पड़ो जिन खाली गोटे प्रोटोकल रखाई बट एत मैंने एफिसीयंटली जिनसटे काम करना ओके देन आसला इलेक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट इलेक्शन मत कह स्टेट जो इलेक्शन होता सेंटर जो इलेक्शन होता किए कंडक्ट करा आज ये कंडक्ट करा से कितने नंबर आर्टिकल आसूला फटाफट कमेंट सेक्शन आंसर दियो देन मुझ आगे जी स्टेट और सेंटर इलेक्शन जे कंडक्ट करा जोटा को मुझे एमएलए और एमपी इलेक्शन क्या कहे से किए कंडक्ट करा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करा ओके कैसे नंबर आर्टिकल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आर्टिकल हूँ 324 कैसे नंबर आर्टिकल 324 ओके बट एठी जो इलेक्शन होची एठी इलेक्शन पई कोन होची सेटा थिला कोन सेंट्रल इलेक्शन कमिशन बा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सीईआई लिख देली कि एटा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ईआईसी ओके बट एठी त देखियो हम कोन स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन तो स्टेट इलेक्शन कमिशन प्रतिटा स्टेट रे गोटे इलेक्शन कमिशन कोन कराव गठन करा जीवो आ सी कोन करिवे पंचायत रो जो बॉडी अछि प्रति 5 वर्ष को थरे थरे कोन करिवे इलेक्शन करिवे बुझियला तमाने पंचायत इलेक्शन टेन्योर के 5 वर्ष ओके इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिजल्व जदि स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को 5 वर्ष आगु डिजल्व कर दौर तक इमीडिएट ये आउ थे इलेक्शन कराया पड़ो बुझीला जदि ये पंचायत को पंचायत कौन कर मैंने विदिन 6 मंथ जो रिजल्यूशन करदे मस्ट बी हेल्ड विदिन 6 मंथ मैं जो रिजल्व कर दिया 6 मास भितर कौन कराया पड़ो आउ थे इलेक्शन कराया पड़ो एटा मैंडेटरी देख 1993 आगु एम बाध्यतामूलक किसी प्रोविजन नाला संविधान कौन जिन बाध्य कर ना जो हाँ जब पंचायत बनेनि तो बनेनि किंतु एबे जब पंचायत बनुनि एबे जब कौन स्टेट गवर्नमेंट पंचायत इलेक्शन करूना से एरिया रा माने आमर पंचायत को डिजल्व करी कि कोर्ट को जाई हम क्या कोर्ट आम स्टेट को लेकिन कोर्ट को जाई हम ओके तुम हाईकोर्ट को देखिए केस कर गाँव सरपंच इलेक्शन कहीं तुम जब सरपंच को हटे देला ओके क्या हाथ में पावर रोचे एट स्टेट हाथ में पावर रोचे फाइन सो फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विदिन 6 मंथ ऑफ द सच रिजोल्यूशन एंड दिस इज एन इंपोर्टेंट प्रोविजन दैट एनश्योर्स द एक्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्टेड लोकल बॉडीज ओके ऑफकोर्स एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रोविजन रोचे हमर जो लोकल बॉडीज रोचे एक्जिस्टेंस को फुलफिल करुची आ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तुम जो देखो एटा हमर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो आगुरी था से वाला प्रोविजन एटी किछ रहो नाही डायरेक्ट प्रोविजन रहुचे ओके देन होला रिजर्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट फैक्ट तुम देखो रिजर्वेशन रे हमर को माने पार्टिसिपेट कर परिबे पंचायत इलेक्शन रे राइट आम कहीपर प्रथम कथ तो 18 वर्ष पूर्व तुम पार्टिसिपेट कर पार प्रथम कथ द्वितीय कथ हूँ तुम पाखे रिजर्वेशन रहा ना ये एस सी और एस टी मानी रिजर्वेशन रहा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हिसाब से तुम जो पॉपुलेशन अधिक अच्छी तुमको रिजर्वेशन भी मिले से बेसीस ओके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हिसाब से मिल बट ता सहित वुमेन मान को रिजर्वेशन निहाती मिलवा दरकार तुम जब जीव एमएलए और एमपी इलेक्शन ओके तुम एवं जाओ एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यही मानक इलेक्शन है ना वुमेन रिजर्वेशन नहीं यही मानक इलेक्शन में वुमेन रिजर्वेशन नहीं इंटरेस्टिंगली पंचायत लेवल रे गाँव लेवल और टाउन लेवल रे हमर एटी अछि कोन रिजर्वेशन अछि का पई वुमेन मानक पई केते अछि 1/3 अछि देखि पालो 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व फॉर वुमेन ओके एंड reservations for scheduled caste and scheduled tribe are also provided for at all the three levels tinta level at reservation diya jibo mane panchayat level le bhi mandal level le bhi and tar sahito tar bhi top level joda rahuchi jilla level le bhi okay reservation women manko pai rahila sc manko pai rahila st manko pai rahila obc manko pai diya jibo na diya jibo seta state upare depend karuchi ene odisha chahile kahibo mu obc manko bhi reservation dewa chahuchi to dei paribo it depends upon the state bujhela reservation story eti jeti ki likha aichi interestingly एमएलए और एमपी इलेक्शन में कौन से प्रकार वुमेन रिजर्वेशन ना ओके एटी कितु कैसे रोचे 1/3 रिजर्वेशन मेनसन होम्पोर्टाट होके इम्पोर्टाट होता समस्त रिजर्वेशन लागू हम ओके समस्त लागू हम देख ये आउ गए जिनस कौन मैंने तुम जेनेल कैटेगोरी हो कि जेकोसी कैटेगोरी हो मैंने सेमती नौ वुमेन मैंने खाली एससी एसटी होते कि जेनेल होते वुमेन सहित तुमको एससी एसटी जेनेल ओबीसी सब कास्ट रिजर्वेशन मिल तुम जो वुमेन होच एंड तुम एससी एसटी भी रिजर्वेशन पाई परिबो ता माने
गोटे लेडी ये एससी किंवा एसटी कास्ट को बिलंग कर थाई पारे एलोंग विथ दैट से वोमेन होता पारे माने गोटे लेडी जेते बेले सेई भलिया जोन को बिलंग करके सेटू पॉलिटिकल करियर को एंट्री कला देन देयर मस्ट बी सम डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ फॉर टेन्योर ओके तार टेन्योर सरला बेले को निहाती किछ ना किछ जिंस थिबो डेवलपमेंट यस नो जोन लेडी यूजुअली हम जिंस मानिबा ओके से बेसिस से मानिबा सो दिस मींस दैट ए सीट मे बी रिजर्व साइमल्टेनियसली माने वुमेन मान को पई भी रहइबो एंड तासु दिस एससी एसटी जन सडा तांको सोने पे सोहाग ओके सोने पे सोहाग हमर कोन थीम थिला कि रिजर्वेशन थीम होची सेया नेक्स्ट देखिबा ओके नेक्स्ट कोन कहउची नेक्स्ट होची ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट रोट रहउची 29 सब्जेक्ट बा 29 टा सब्जेक्ट एठी कोथरे ऐड कराइची स्टेट लिस्ट रे ऐड कराइची देखो मोठी कहि दउची देखो 29 सब्जेक्ट्स व्हिच वर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोठी देखैबी माने स्टेट रे अगुरु 29 टा सब्जेक्ट थिला ताकु शिफ्ट करिके सेंटर को दे दिया गला जो माने जानि नंत सेटा कोन 7th शेड्यूल को टिके पढिके समस्त देखिबे ओके सेइतरे कोन थाए स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट और लास्ट रे छि रेसिडुअल स्टेट जिंस स्टेट रो यूनियन जिंस यूनियन रो कॉन्करेंट जिंस डा दि जण जाकर राइट बट रेसिडुअल रे केवल यूनियन रो तो एथरे स्टेट पाखरे जति पावर थिला सेथरो किछटा पावर कहा को दे दिया गला पंचायत को दे दिया गला ओके सेथरो किछटा पावर कहा को दे दिया गला पंचायत को दे दिया गला से जिंस ले काई देखो दि सब्जेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन दि सब्जेक्ट्स वर मोस्टली लिंक टू द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर डायरेक्टली लोकल लेवल रो डेवलपमेंट संगे सब जिन कनेक्टेड ओके एंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ दिस पावर्स फंक्शंस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट लेजिस्लेचर माने खाली कहि देले त होबने एक्चुअली ताको पुनी सेई बेस बिषय कोन करया पडिबो इम्प्लीमेंट भी करया पडिबो मु देखौ 29 टा सब्जेक्ट बे आगु देखैबी एटा देखो ओके 28 टा सब्जेक्ट आ तळे गोटे सब्जेक्ट रहि जाइछि 29 सब्जेक्ट जदि हम देखिबा देखो एग्रीकल्चर ओके आम कह चाष रिलेटेड जहाँ इश्यू हो माइनर इरिगेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटो इंडस्ट्री क्या कहु हाउसिंग किसी किसी छाड़ दी जाए यहाँ जिस छाड़ दिखाई कहीं छाड़ दी क्या सब गुड़ा इंपोर्टेंट नो जो मैंने आम थे देखे आमको आईडिया आसीज इवन पंचायत में लाइब्रेरी सिस्टम भी रखाई मुझे जिस मैंने ओनली पढ़ुली बट मुझे जो प्रिपेरेसन करूँ सागर आम जो कलिग थे मैंने प्रिपेरेसन एकाडेम करूँ से माँ थे कौन आम सरपंच थे एंड इंटरेस्टिंगली ना इंटरेस्टिंगली से जाने लाइब्रेरी भी होती तो सी कौन कले गाँव में लाइब्रेरी अप्लाई करते हैं गाँव में लाइब्रेरी चाहूँ ओके आटे गोटे मो नर्माल मो आखपाख लोक क्या कहे बट से समय न्यूज पेपर पढ़वे मुझे देखी न्यूज पेपर पढ़ा समय गाँव में भी बहुत जगह लाइब्रेरी स्थापित करने चेस्टा कराई है और सक्सेसफुली भी लाइब्रेरी को एस्टाब्लीश कराई है गाँव गाँव पाने से पढ़ी पार्थ राइट गाँव में कम से कम घर बर गछ मूल तास खेल अपेक्षा राइट कौटी बस कि खटी करके विषय में गपिवा अपेक्षा बेटर हम तुम किसी ना कि नुआ जिनस कर किसी एमती जिन सोसाइटी को शिखाओ जो सोसाइट जो जिन कि सोसाइटी आगे जीव ओके तो खटी करवा तास खेल यहाँ हूँ गाँव रोटे कमन सीन जो तुम्हारे देखो समस्त मजा लगे लोक से जिन करने मे भी अकेजन अकेजनाली हाँ कथा जो आम महोत्सव आम रोचे रज महोत्सव होती डिफरेन्ट महोत्सव हो फास्ट तो क्या विषय में गपिवा तो कमन गाँव में राइट राइट या ता विषय से विषय में गपुत या विषय में गपुत रास्त किए चल जाऊ किसी कहीदे राइट तो से सब जिन गाँव में डेवलपमेंट कमी पार लाइब्रेरी हम ओके कल्चरल एक्टिविटीज हम भजन संध्या कौटी होती मार्केट से बनी पार मार्केट से जहाँ बाहर हेल्थ सानिटेसन रु स्टोरी क्या हाथ रोचे पंचायत हाथ में 29 सब्जेक्ट रोचे ओके सो आम तो ये जिन पढ़ले सर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बीन इन अवर विलेज सर पाठशाला वी हैव बीन अवर विलेज सर पाठ बढ़िया कथा प्रणव मान ये मुझे लाइव एग्जांपल ये देखी पाचे ओके आप समस्त देखी पार्थे प्रणव आनंद गाँव में ये पाठशाला कहीं गोटे लाइब्रेरी से कौन कर एस्टाब्लीश करमी कौन इन्फ्लुएंस जिन आगे जापर ओके आगे जापर गाँव लोक सचेतन हे जहाँ घर जहाँ बुक अच्छी पुराणा बही को लेकिन पहुंचाई देते तो गाँव रोटे बढ़िया आटमोसफियर क्रिएट हम ओके चलो आगे जा तो आम सब जिन पढ़ले बट पंचायत राज को कमी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिली दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी आर्टिकल 243 जी ओके आर्टिकल 243 जी कौच पावर्स अथॉरिटी आउ रेस्पोंसिबिलिटी पंचायत ओके या को किए देव द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ओके केमी देव बाय लॉ दबो कौन ए पावर ऑफ अथॉरिटी दबो विथ रेस्पेक्ट टू द मैटर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल जो जो मैटर 11th शेड्यूल में मेंशन है ये जो 29 टा सब्जेक्ट मु देखैली समस्त को एबे ए 29 टा सब्जेक्ट हमर एठी ऐड है कोठी 11th शेड्यूल रे ऐड होई छे आ 11th शेड्यूल रे 29 टा सब्जेक्ट रा पावर कहा को दिया जइबो पंचायत को दिया जइबो आ पंचायत सेई ऊपर कोन करिवो ता काम एक्सरसाइज करिवो एबे बुझियौ छी
सेमिति सेमिति आमर 12 शेड्यूल रे आ बुझा आइतिबो ओके क्लियर देन द प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट जों देखिबो एबे कथा आसी कोन पूरा कंट्री जाके रे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अछि कि नाही देखो किछ आदिवासी एरिया भी अछि तांको एरिया तमे जदि पंचायत सिस्टम करिवो ताले समस्त से सब जिंस जिल्ला लेवल जाके मानिबे नाही ओके जिल्ला लेवल जाके मानिबे नाही फाइन सो मु तमन गोटे गोटे क्वेश्चन कहिबे माने गोटे जिंस अटी ऐड कराइतला सेते बेले सेटा होछ कोन मोटे एक्ट कहि दु से एक्ट रो फुल फॉर्म समस्त कहिबो सर्च करिके ओके तो चलो पेशा एक्ट मोड़ी कहल मैं समस्त को देखो इन 1996 ए सेपरेट एक्ट वाज पास्ड एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ द पंचायत सिस्टम टू दिस एरियाज माने को एरिया को जो आदिवासी पीपल रहउ छन हम कंट्री रे से माने जो माने कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मानिबे नहीं से माने को पई को कराइतला पेशा एक्ट कराइतला मु खाली पी फॉर कह दउ छी पंचायत एक्सटेंशन ओके पंचायत एक्सटेंशन कथा मु कह दउ छी बाकी ता आगु दिरा तो माने निहाती गूगल कर गूगल कर मजा लागिव पैसा एक्ट ना बहुत लंबा समय जाके मु पर्सनली कोनला मते बहुत कंफ्यूज थली मु तापर पर जानले ना एमटी जिनसटा नॉर्मल जिनसटा खाली एतिक जाना 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे जो पंचायत रे दस्तु से आदिवासी एरिया को टैग माने कोन करनी से भीतर को पसनी दैट्स व्हाई से कोन करा गला एपोर्ट सेक्शन को फोकस करा गला माने कोन बाहर को आसी कि पैसा एक्ट रे फोकस करा गला ओके सो मेनी आदिवासी कम्युनिटीज हैव देयर ट्रेडिशन कस्टम्स ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड स्मॉल वाटर रिजर्वर्स therefore the new act protects the rights of these communities to manage their resources in way acceptable to them mane the panchayat extension to the scheduled areas yes the panchayat extension to scheduled area scheduled area ko jo panchayat ra system extension karai chi taku pesa act wala kebe karai chi 1996 masiya re karai chi 1996 acha ta sange jo jinsa likhai chi eti je sei re loko mane tanko resource ko jemiti accept karibe sei basis re tanku kon karai chi access diai chi clear ओके सो हाँ फॉर दिस पर्पोज मोर पावर्स आर गिवन टू द ग्राम सभा ऑफ दिस एरियाज तो ग्राम सभा को अधिक पावर देखे काम कले मुझे भितर को जाऊना बेसिक आइडिया दिस इज ओनली कंसिस्टेंट मैंने डायवर्सिटी जो देखा ना तो आम कंट्री एटा निहाती जरूरी था और पैसा आग विषय में जानगले देन आम आसा स्टेट इलेक्शन कमिशन मुझे कही सारे स्टेट इलेक्शन कमिशन विषय में खाली एति जान जे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करिवो स्टेट इलेक्शन कमिशन को भी राइट स्टेट इलेक्शन कमिशन में गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके से जन इलेक्शन कमिशनर रहिबे एंड तांकर किछि सहयोगी रहिबे आ से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जते इलेक्शन होस ताको कंडक्ट करिवे ओके ये होची गोटे ऑटोनॉमस बॉडी सेमिति नो जाय इलेक्शन कमिशन अंडर रे गोटे बॉडी रहउची बट हां ता सतो कोऑर्डिनेट करिकि जिंस करूची जिंस बट एतिक जान ये होची गोटे ऑटोनॉमस बॉडी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के स्टेट इलेक्शन कमिशन क्लियर Now the office of the state election commissioner is autonomous like election commission of India. However, the state election commissioner is an independent officer. Even if state election commissioner je officer ho chole CBT independent. Then state finance commission. This is very very important. Kahi ke mu kahuchi paisa to sabudi na mulara sabuji mula kon paisa. Tame jaha karo tamara peto ku dana darkar dana pai paisa darkar. Ultimately paisa nathile tame jette rango karo jette jaha karo kichhi labh nahi. ओके तो से जिन तुम गाँव को जिते 73rd 74th 72rd 75rd 77rd 78rd जहाँ दौ दि पैसा जो नदी किसी कम ना दैट्स वे स्टेट गवर्नमेंट गोटे काम कला गोटे फाइनेंस कमिशन क्रिएट कला जो मैंने फाइनेंस कमिशन कहे बुझीपार न मुझ बेसिक जिनस कहीदे फाइनेंस कमिशन एमती गोटे ग्रुप जी कि आम कंट्री में क्या कते पैसा दिज्व तार गोटे एस्टिमेट कर मान न फाइनेंस कमिशन कही मैंने से पैसा देवा बाध्य गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे फाइनेंस माने एमती कि सेंट्रल फाइनेंस कमिशन मु कहूँ जोटा कि आर्टिकल 280 रे आसुची तो फाइनेंस कमिशन जदि कहला जे स्टेट को एति कि टंका दिया जाउ टैक्स ताहले से जिनसटा मोस्टली एक्सेप्टेबल माना जाए कहीं स्टेट लेवल से कमिशन बसी था से गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ भाभी जिंदगी से गवर्नमेंट सहित कथबार्ता होकर फाइनेंस कमिशन पैसा को डील करते ओके यूजुअली मनोजा कह दिखाई कहीं से बाहर जिनस नुह ना तो फाइनेंस कमिशन इज अल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एमती गोटे कमिशन जी कि सजेस्ट कर स्टेट गवर्नमेंट केते पैसा दब पंचायतराज इंस्टीट्यूशन को ताने स्टेट फाइनेंस कमिशन राम कहपाई केवल पीआरआई पंचायतराज इंस्टीट्यूशन ओके आम कहीपर स्टेट इलेक्शन कमिशन राम कहपाई केवल स्टेट इलेक्शन स्टेट इलेक्शन जो कहूँ एमएलए आसबेन से किए आसबे से आसबे जिला परिषद ओके बा जिला पंचायत को जी आसबे देन मंडल पंचायत देन विलेज पंचायत ओके हाँ तो सर स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑटोनॉमस बॉडी माने ऑटोनॉमस बॉडी माने देखो स्वतंत्र बॉडी ता इच्छा अनुसार से जहाँ भी किसी काम कर पारे ओके से क्या अंडर आसनी से गोटे स्वतंत्र बॉडी ऑटोनॉमस बॉडी तार अथॉरिटी कहीं ना सी हूँ टॉप अथॉरिटी बुझीगला
देखो क्वेश्चन तो ताकू कहीं करिवे नहीं बट ताकू ने कि कोर्ट को जाई हबो इलेक्शन कमिशन को यूजुअली कहीं क्वेश्चन करन नहीं बट ताकू ने कि कोर्ट को जाई हबो जदी इलेक्शन कमिशन के घपला कला ओके सेमिति जीरो क्वेश्चन इंडिया रे केही भी नहांदी जाकू तमे जीरो क्वेश्चन पजारि परिवो समस्त को तमे क्वेश्चन पजारि परिवो इवन इफ सुप्रीम कोर्ट जज को भी तमे क्वेश्चन पजारि परिवो बट तारो वे अलगा अछि ओके तारो वे अलगा अछि फाइन सो स्टेट फाइनेंस कमिशन जान लो देखो दिस कमिशन would examine the financial position of the local government in the state and it would also review the distribution of the revenue between the state and the local government okay ye kon karibo jinso ko analysis karibo state and center bhitre kete distribution hobo taku ye kahibo okay taku ye kahibo and this innovation ensures that allocation of funds to rural area government will not be political matter edi kahai sare je political way re ethi kebal allocate na kara jao tike different way re bhi kara jao ओके ठीक है डिफरेंट वे रे भी जिनसो को करा जाओ देन हम एटिक जोटा आसले एज वी मेंशनड अर्लियर 74th अमेंडमेंट कहा सते डील करची नगरपालिका सहित बा अर्बन लोकल बॉडी सहित सेठी जहा थला एटी सब समान जिनस अछि राइट किंतु तमे जदी कहिबो जे सर टाउन थला में काहा को मानिबा राइट अर्बन एरिया में काहा को मानिबा देखो ता भाई किछ क्राइटेरिया मेंशन अछि मुंबई कोलकाता दिल्ली ही खाली टाउन एठी नहु सेंसस 2011 हिसाब रे सेंसस 2011 हिसाब रे टाउन का को माना जीव प्रथम कंडीशन होची टाउन ने मिनिमम 5000 पॉपुलेशन थिबे मिनिमम 5000 पॉपुलेशन ओके जोटु की लोएस्ट अर्बन गवर्नमेंट हम स्टार्ट हबो 75% लोक नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रे इंडल्स थिबे ऑक्युपेशन त कोन थिबो अच्छा एटी जो कथा पचाले जे एग्रीकल्चर 75% लोक करू नथिबे जदी गां लोक जदी से 75% एग्रीकल्चर करचो त से गां नै काउंट हबो ना से एरिया से एग्रीकल्चर करचोंती तो तुम्हें जो देखु प्रथम कथ तो 5000 लोक 75% लोक ये कौन न करेंगे मानते पाखापाखि 3600 लोक ये बिना एग्रीकल्चर वाला कम करेंगे इंडस्ट्री हो कि जिनस हो देन सहित डेनसीटी से एरिया के दरकार 400% पर स्क्वायर किलोमीटर कहे कौन गोटे किलोमीटर गोटे किलोमीटर गोटे किलोमीटर गोटे किलोमीटर यही भितर 400 पीपुल रहा दरकार बुझीगल तीन टा कंडीशन ओके एंड 2011 सेंसस हिसाब से तुम जब देखो तो कंट्री 31% इंडिया अर्बन पॉपुलेशन थी क्लियर केवर पॉपुलेशन देख 2011 सेंसस जब देखो ओके 2011 सेंसस देखो ये गला जिन तो इंटरेस्टिंगली आई थिंक समस्त ये सब जिन क्लीयर हो पार्थ्वे आम देखा आज का टाइम केखापाखि अर्बन एरिया लोक अच्छा आज का टाइम पाखापाखी आम देखा 40% क्रॉस कर सारे 40% तुम जुआड़े तो देखो टाउन हो गला ना जुआड़े देखो टाउन हो गला धीरे धीरे लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे इंडल्स हेले तो स्टोरी सही है तो इन मेनी वेज 73rd और 74th हो रिपीटेशन माने 74 नंबर जहाँ लिखा है 73 को रिपीट कर दिखाई केवल गोटे जिनस को रिप्लेस कर दिया है अर्बन एरिया ओके कौन अर्बन एरिया फाइन देन रिजर्वेशन जब देखिए रिजर्वेशन समान रोज स्टेट इलेक्शन कमिशन समान काम कर स्टेट फाइनेंस कमिशन समान काम कर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लीयरली कहूँ या भी कि कौन दिज्व लिस्ट दिज्व ओके यार जो लिस्ट है कैसे नंबर शेड्यूल रही है 12 नंबर शेड्यूल रही है तार कौट थी 11 नंबर शेड्यूल था मन पड़ू देख ये 12 नंबर रहा फाइन देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट गोटे सेकंड गाइस ओके फटाफट मुझे कही दूसरी इम्प्लीमेंटेशन क्या 5 मिनट आम क्लास को एंड करवा बेसम मात्र ना हो ओके प्रथम कथा 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 मसीह कौन कराला प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट है ओके 93 मसीह जो वर्ष है से वर्ष पंचायत इलेक्शन हो सरपंच होते पुणी पंचायत समिति होते जिला परिषद होते तापरठ कौटना कौटी सक्सेसफुल होती पंचायतराज इंस्टीट्यूशन सिस्टम दुटा राउंड इलेक्शन हो सारी से आम जब देखा 2011 मसीह ये क्या कहुची ओके 1994 तुम जब देखो मैंने ना 10 वर्ष क्या कहुच 1994 2004 भितर दी दी थर समस्त इलेक्शन कर देते ओके तुम प्रत 5 वर्ष को 10 थर इलेक्शन हो जाता किसी जगह तो 3 थर भी इलेक्शन हो जाता मैंने गवर्नमेंट भांगिकी कर ओके आज का टाइम तुम देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो आज का टाइम नुह 2011 सेंसस हिसाब से कहुच आम पाखे 600 जिला पंचायत अच्छे मैंने 600 जिला पंचायत 6000 ब्लॉक इंटरमीडिएट के पंचायत मैंने रोचान 2,40,000 गाँ बा ग्राम पंचायत कह गाँ भी नुह ग्राम पंचायत 600 जिला 6000 ब्लॉक 2,40,000 ग्राम पंचायत आउ थे भलसे देखने जिनस सहित सिटी लेवल के 100 सिटी कॉर्पोरेशन मुझ भाग करी पुणी सिटी लेवल भाग करी 100 सिटी कॉर्पोरेशन 1400 टाउन म्युनिसिपैलिटीज 2000 नगर पंचायत अर्बन एरिया ओके मोर देन केते लोक पार्टिसिपेट करउछन्ती एवरी 5 इयर्स को मोर देन 32 लाख मेंबर्स आर इलेक्टेड ता माने
केवल रिप्रेजेंटेटिव सरपंच पंचायत समिति एम सब मिसिकी 32 लाख लोक आम देश जगह खाली पॉलिटिक्स रे इनवॉल्व रहउछन्ति 32 लाख लोक आज के टाइम से नंबर बढ़ी भाव आगे जो आम ओके ऑफ दिस एटलीस्ट 13 लाख आर वुमेन माने 32 लाख रु मिनिमम 13 लाख होउछन्ति वुमेन जानिपार तो कितने बड़ इंपैक्ट क्रिएट हो 13 लाख लेडी आम डायरेक्टली इनवल्व होती कौन थे पॉलिटिक्स रे इनवॉल्व होती इन द स्टेट असेंबली तुम देखो 5000 भी नहीं पूरा ओके ओके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विथ लोकल बॉडीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओके यहाँ तुम जानले फाइन आउ 73 और 74 अमेंडमेंट तुम देखो यूनिफॉर्मिटी आनी चारिड़े ओके ये कौन लोकल इंस्टीट्यूशन बाटे निजे निजे काम करने स्टार्ट कर प्रोविजन तुम देखो प्रोविजन कौन अच्छी आम वुमेन मान को बहुत एम्पावर कर ओके वुमेन मान को बहुत अधिक एम्पावर कर देख कांग्रेस टू आम सब पंचायत राज ओनली इन नेम इन लाख सा डिप मिनिस्टर कहते ओके सरपंच रैली टर्न्स वायलेंट इन आंध्र प्रदेश मैंने किसी किसी न्यूज तो चली सब जिन भर ओके कौटी कौन हो खाली ना को चली कौटी कौन हो रैली कला भितर कौट झगड़ा हो जाए सब जिनसा कहु ओके वुमेन मान को पार्टिसिपेशन क्या कहुई या आप थोड़े नजर पकड़ ने बेस भितर को जाऊना बास जो तुम देखो सिग्निफिकेंटली आम बहुत समय कौन हुए कि बहुत समय समटाइम्स आम सोशल लोकल बॉडी जोड़ा रोचे ओके लोकल बॉडी जो गुड़ा रोचे भितर रईट जिते भी कम करती बहुत किसी झड़प हो जाए ओके बहुत किसी झड़प हो जाए शेड्यूल कास्ट हो शेड्यूल ट्राइब हो प्रोब्लेम कौन हो देख ये प्रोब्लेम मो हाथ भलसे कहे जो मैंने गोटे गाँव हायर कास्ट लोक थे से गाँव रतल शेड्यूल कास्ट कि शेड्यूल ट्राइब लोक को सरपंच हवा कि गोटे अपर पोस्ट बस देखिए दे क्या नट डायजेस्ट दैट अल् टोटाल डायजेस्ट करें कमी गोटे मानते कम जातिर लोक आमको शासन करूँ तो से भितर ना बहुत किसी झगड़ा भी ओके बहुत किसी झगड़ा भी जाए एट अभीयस क्या झगड़ा हम ही मैंने हवा कथा तो रो बट झगड़ा ही जाए समटाइम्स दिस लीड्स टू टेंशन द डोमिनेंट सोशल ग्रुप व्हिच कंट्रोल द विलेज अर्लियर डू नॉट विश टू गिव अप देयर पावर मैंने जो मैंने ऑलरेडी अगर पावरफुल थे से चाहू ही ना जिन छाड़ापी ऑलरेडी तुम पाखे पावर थी बट तुमको छाड़ा पड़ा ना द रूल इज कि तुमको पावर छाड़ा पड़ा ही पावर देवा पड़ो बट सीन तो चलिए राइट बाकी रहा द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असाइंड एज मेनी एज 29 सब्जेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू फंक्शंस लिंक टू सोशल वेलफेयर सांगे कौन कनेक्टेड आम सब जिन जान सारे ओके तो लास्टली तुम देखिए प्रथम कथा तो बहुत कम फंड रोचे क्या हाथ में लोकाल गवर्नमेंट हाथ में इनकम हो लोकाल गवर्नमेंट 0.24% ओके किंतु खर्च हो मैंने 24 पैसा जब इनकम हो 4 टंका कौन कौन खर्च कर 24 पैसा इनकम 4 टंका खर्च करते जितक डेवलपमेंटल काम लोकल गवर्नमेंट को हाथ पत पड़ा ग्रांट भरोसा रहा पड़ा बुझीगल जितक गवर्नमेंट हाथ पत पड़ा ग्रांट भरोसा रहा पड़ा बहुत बड़ इश्यू राइट तो मैंने पैसा इनकम करेंगे जिन तुमको टेनसन ना पड़ोनी ओके आ ये पैसा पत्र दौड़ा पड़ोन जो मैंने लाइफ एंड ही तो सब गोटे लिमिट भितर बट ये तो से मिलूनी क्या मैंने लोकल गवर्नमेंट को से मिलूनी आई थिंक या भितर पूरा गोटे प्रपर आईडिया समस्त आसी जाइए समस्त काम हो जाए कि कंक्लूजन पढ़े दुटा क्लास में लोकल गवर्नमेंट सारे नेक्स्ट क्लास में गोटे दुटा क्लास रही सर यार मेन्स रईटिंग क्वेश्चन डिफरेंट आस्पेक्ट देने भल हम मुझे आज कल भितर कहूँ जब रिमाइंड कर पारे मतलब ग्रुप में मेसेज करदेव सर गोटे क्वेश्चन दे दिखाँ पीआरआई उपर ओके काली मत मन पकईदेव मुझे ट्राई करूँ आज रात दवा बाकी रहा कंक्लूजन तुम मन काम हो तुम जाइए कंक्लूजन टे पढ़ो या भितर मैंने जो टोटल जो चैप्टर पढ़े से चैप्टर विषय सब जिन क्लियर कट ही मेनसन है तो आई होप पंचायत राज चैप्टर बहुत भल लगे आउ गए आस्पेक्ट आम पढ़ी ना मैंने आम 50% पढ़ी आ 50% डिस्कला बहुत गुड जिन कमिटीज आड हम तार लेयर आड हम रईट आक्चुआल पावर आड हम तक देखा डिटेल्स को सिलेबस को जाइए तो आज क्लास को मैं ये एंड करवा थैंक यू ऑल ऑफ यू दिस इज योर प्लेटफॉर्म एजुकेशन दिस इज योर गोटे शक्ति प्रसाद साइनिंग बाय बाय जय हिंद जय ओडिशा बी हैप्पी स्प्रेड ऑफ पॉजिटिव हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू टाटा टेक केयर।